Hi, this is Manisa. Welcome back to my YouTube channel. So friends, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, जो कि करियर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एफकेट 2 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है. सो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिशियल एज अ ऑफिसर पोस्ट पे आप अगर जॉब करना चाहते हो, तो ये बम्पर वैकेंसी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है. सो चलिए अभी हम इस वैकेंसी की डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिए. सो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, इस फॉर्म को आप अप्लाई करना स्टार्ट कर पाओगे 1 जून 2023 से, और लास्ट डेट आपको 30 जून 2023 रहने वाला है. सो आप लोगों को लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे ही 1 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो, आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि इस फॉर्म को अप्लाई कर दें. एंड अगर इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की बात की जाए, तो इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल पोस्ट पे जॉब करने का मौका मिलता है, जैसे आपका फ्लाइंग ऑफिसर, एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स का रहता है, अकाउंट्स की पोस्ट होती है, एजुकेशन की पोस्ट होती है, और इस बार बहुत सारे न्यू पोस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है करियर इंडियन एयरफोर्स के थ्रू. सो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 276 रहने वाली है. इसका 10% सीट जो है वो आपको एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहने वाला है. तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में. तो इसमें जो है हर पोस्ट की एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो अगर आप 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास कुछ स्पेशल एनसीसी, मेट्रोलॉजी वगैरह की डिग्री है, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हो. और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए, तो मैंने स्लाइड की फ़ोटो स्क्रीन पे दे रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हो. इस फॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी आपकी होने वाली है, वो आपके ऑल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ रहने वाली है. वही अगर आपके पास एनसीसी या फिर मेट्रोलॉजी की डिग्री है, तो आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है. और एज लिमिट की बात की जाए, तो जो फ्लाइंग बैच है, उनका एज लिमिट 20 to 24 years रहेगा. एंड अगर ग्राउंड ड्यूटी वालों की बात की जाए, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों के लिए 20 to 26 years, यानी कि जो 20 साल से लेके 26 साल से बीच के लोग हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं. और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म तो हम भर देंगे, पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मेरा उसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. आपका सिलेक्शन जो है वो आपको 3 major stages पे डिपेंड करता है. फर्स्ट आपका, जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सेकेंड आपका AFSB टेस्टिंग होती है, इंक्लूडिंग आपका SSB की तरफ से जो इंटरव्यू लिया जाता है, उसको भी इसी में इंक्लूड किया जाता है. थर्ड आपका मेजर पार्ट होता है मेडिकल एग्ज़ाम का. तो जब आप ये तीनों चीज़ क्वालिफाई कर लेते हो, तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनता है और आपका सिलेक्शन होता है. सो अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको. इसमें आपको 2 hours का एग्ज़ाम रहता है, जो आपका ऑनलाइन होता है. 100 number of questions होते हैं, जो कि आपको 2 hours में सॉल्व करने होते हैं, और टोटल आपका जो मार्क्स होता है वो 300 होता है. इस एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग की क्वेश्चंस पूछी जाती है, और ये सब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक ऑफिशियल पोस्ट है, तो इसकी जो सैलरी है वो भी बहुत ही ऑफिशियल, बहुत ही अच्छा रहने वाला है. इसका स्टार्टिंग आपको 56,000 से होता है, और आपको अप टू 2 lakhs तक इसकी सैलरी आपको इनक्रीज़ करके दी जाती है. सो आप लोग तैयार हो जाइए, ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है. और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको अगस्त में होने वाला है, तो अभी से आपके पास 2 महीने का टाइम है, और आपको अच्छे से तैयारी करके इस जॉब को
क्रैक कर लेना है ताकि आपको इस अच्छे ऑफिशियल पोस्ट पे जॉब करने का मौका मिले। और इस पेपर का एडमिट कार्ड जो होता है वो आपके एग्ज़ाम से 2 वीक पहले रिलीज़ कर दिया जाता है, तब आपको पता चल जाता है कि आपका सेंटर कहाँ होने वाला है। आप चूज़ करोगे वहीं पे आपको सेंटर दिया जाता है। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्ज़ाम सेंटर होता है। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स है आपकी FCAT 2 2023 के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी इसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो। मैंने जो अभी आपको डिटेल्स बताए उन्हें समझने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कमेंट सेक्शन के थ्रू ही। सो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।